क्यों या ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਕ ਦਰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਗੈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਯਾਰ ਗੈਸ ਬੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੱਤ ਬੁੱਦਾਂ ਤੇ ਗੈਸ ਉੱਪਰ ਮੀ ਕੋਈ ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਂਗਲਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਕਾ ਭਾਈ ਬੜਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਭਾਈ ਇਹੀ ਗਾੜੀ ਨਿਕਲਵਾਉਂਗਾ ਔਰ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਲੂੰਗਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਸੇ ਆਈ ਰੰਗੀਨ ਕੱਪੜਾ ਖੇਲੀ ਚਾਹੇ ਨਿਰਮਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿ ਦਿਖਾਂਗਾ Hi beautiful people, how are you all? I hope you all are fit and fine. This is me, your Jerry boy. If you don't know, now you know. तो आज मैं आपको ना एक तगड़ी सी चीज के बारे में बताने वाला हूँ। आप सभी इस प्रॉब्लम को फेस कर ही रहे होंगे, जैसे कि हेयर फॉल हो गया, और मेरा भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अब थोड़ा कंट्रोल में हो गया। जैसे कि हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए बहुत से लोग होते हैं तो अनियन का यूज निकाल के लगाते हैं सिर पे। नहीं, वो अच्छा है, लगाना चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसकी स्मेल जो आती है वो जाती ही नहीं है। आप कितना शैम्पू करते हो, कितना कुछ करते हो, लेकिन वो अनियन की जो है वो आपको फील होती रहती है कि अनियन की स्मेल जो है हमारे बालों में से आ रही है। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट लाया हूँ जिसका नाम है मामा अर्थ। मामा अर्थ का शैम्पू है और साथ में मामा अर्थ का कंडीशनर। इसके यूजेस क्या है वो आप सभी को पता है। ओनियन जो होता है एकदम नेचुरल होता है, और ये जो मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स हैं ये भी बिल्कुल नेचुरल है। तो अभी पहले मैं इसको अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। और गाइस, मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है, और गाइस इसमें सिर्फ ओनियन ही नहीं और भी बहुत से इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे प्लांट कैरेटीन, वीट अमीनो एसिड्स। प्लांट कैरेटीन है जो 18 अमीनो एसिड से बना होता है। प्लांट कैरेटीन इज ए हाईली प्रोटेक्टिव प्रोटीन दैट हेल्प्स मेंटेन द मॉइस्चर बैलेंस ऑफ द हेयर। गाइस सबसे अच्छी बात है कि गाइस ये हमारा इंडियन ब्रांड है, and every time you buy from them they will link your order on the website to a tree that they plant. Exact geolocation pictures and species of the trees will be sent to you. Mama Earth has launched their official app. Users get early access to sales and get extra discount. तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे ऑनियन शैम्पू। इसको जेंटली आपको मसाज करना है अपने सिर में और जड़ों तक मसाज करना है अच्छे से। और आप सबको पता ही है जो ऑनियन होता है वो हमारे बालों को और भी स्मूथर, स्ट्रॉन्गर और क्लीनर करता है, और वो ब्लड सप्लाई बढ़ाता है। और उसके बाद आ जाता है एयर कंडीशनर। बालों में एयर कंडीशनर अप्लाई करते हो, उसके बाद आपके बाल जो होते हैं वो स्मूथर और शाइनी और सिल्की हो जाते हैं। आप हेयर कॉम करते हो और उसमें आपके बाल नहीं आते। एज यू कैन सी गाइज, मेरे हेयर इस वक्त कितने हेल्थी लग रहे हैं। और गाइज, मामा अर्थ के बारे में मुझे बताने की वैसे जरूरत तो है नहीं। मामा अर्थ का वैसे भी आप सभी को पता है कि प्रोडक्ट कितने नेचुरल और ऑर्गेनिक होते हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जो आपके बालों को डैमेज करे। और मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आप कहीं से भी खरीद सकते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नाइका, पर्पल। इसकी वेबसाइट भी आ चुकी है और इसका ऑफिशियली ऐप भी आ चुका है, आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। और यहाँ तक कि आप किसी भी अपने नजदीकी की स्टोर से भी खरीद सकते हो, वहां पे भी ये अवेलेबल होगा ही होगा। जिस जिसको भी अपने बालों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हेयर फॉल्स की या कुछ भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, आप ये मामा अर्थ के प्रोडक्ट यूज करो और आपको पक्का रिजल्ट मिलेंगे। आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो, Jerry2022। लेकिन ये कूपन कोड सिर्फ वेबसाइट पे और इनकी ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है उस पे ही एप्लीकेबल होगा। अगर आप किसी और से ऑर्डर करते हो तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ये ओनली इनके ऑफिशियली एप्लीकेशन पे ही कूपन कोड एप्लीकेबल होगा। तो चलो भाई मित्रों, इस वक्त है हम अभी अपने गुजर नगर वाले पुल पे, और आज ट्यूसडे है और वहाँ पे हमारी बहुत वाली माता। और हर ट्यूसडे को हम कहाँ जाते हैं आप सभी को पता ही है, दिन की शुरुआत कर लेते हैं, पहले मत्था टेक के दर्शन करके आते हैं, फिर उसके बाद के क्या सीन्स हैं वो बाद में देखते हैं भाई। और गाइस, कल हम कहीं गए हुए थे फैमिली के साथ में, कहीं गया हुआ था इसीलिए व्लॉग नहीं आ पाया भाई। और हमारी मेल होती है यार, मेल होती है, आपकी भी होती होगी, आप में से कुछ लोगों की मेल होगी, कल भी होगी। तो हमारी ना मेल थी तो हम वहाँ पे गए हुए थे, और फिर वहाँ का व्लॉग बनाना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, तो इसलिए फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया वहाँ का। तो तभी भाई मिस हो गया कल वाला दिन। और यार पता नहीं कल क्या हो गया, मेरे को गैस हो गई कि पता नहीं क्या हो गया, मेरे को ना ऐसे लेफ्ट साइड ना बहुत ज़्यादा पेन होने लग पड़ी है, चेस्ट में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। तो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, फिर मैंने इसको लाइटर ले लिया रात को जब मैं सोया ना, और रात को 3 बजे उठ के ना फिर से मुझे दर्द होने लग पड़ी। और भाई मुझे समझ नहीं आया कि दर्द क्यों हो रही है, किस चीज़ की हो रही है, मैं ऐसे घर वालों को उठाता नहीं हूँ, मेरे को इतनी पेन हो रही थी रात को। फिर मैं रह रू के अपने ऊपर से अपने रूम से वापस नीचे आया, फिर मैंने मम्मी को बोला कि मुझे पेन हो रही है, फिर मम्मी ने एक टैबलेट वगैरह दी, उससे भी फ़र्क नहीं लगा, फिर मैं थोड़ी सी मूव लगाई उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, और फिर भाई मुझे नींद आई, फिर मैं सोया। तो अभी भाई वो हल्की हल्की सी पेन मेरे को हो रही है, तो मैंने अभी डॉक्टर को भी दिखाया, उससे टेबलेट ली है, और उसने कहा है मुझे कि खा रहा सोडा पीना, तो वो पियेंगे अभी। मेरे ख्याल से गैस ही थी कि पता नहीं क्या था, मेरे साथ पहली बारी हुआ ऐसा, पहले नहीं हुई मेरे को ऐसी गैस अजीब सी। पर रात को मेरे को इतने उल्टे उल्टे ख्याल आ रहे थे, इतने उल्टे उल्टे ख्याल आ रहे थे ना, जब मेरे को रात को 3 बजे आया दर्द हुई चेस्ट में, मेरी नींद खुली ना, मेरे को बहुत ही उल्टे उल्टे ख्याल आ रहे थे।
आज मैं बावे के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। ब्रिज जो है ना वो सुबह सुबह ही होके आ जाता है, थोड़ा जल्दी होके आ जाता है, पता नहीं वहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाकी नीतीश भाई भी थोड़े से बिजी थे, उन्होंने शूट करना है आज, उन्होंने बावे ही शूट करना है। तो वैसे तो मैं 2 बजे के बाद जाने वाला था, लेकिन मेरे पास आज टाइम था, क्लास से जल्दी आ गया, तो मैंने सोचा चलो आज 1 बजे से पहले पहले ही कर लेते हैं दर्शन, बस वहाँ पे अब रश ना हो, बाकी सब ठीक है। आज रश लग नहीं रहा मुझे, नहीं तो यहाँ पे गाड़ियाँ गाड़ियाँ होती हैं, निकालने का टाइम नहीं लगता है, मतलब मौका नहीं लगता निकालने का, पर आज रश नहीं लग रहा मुझे। तो चलो भाई, दर्शन करके हम बावे से आ चुके थे, आते आते हमने क्या देखा भाई, इधर देखो क्यों या? तो भाई एक और लक दर्द हो गई है बहुत ज्यादा, और टीका लगवा के आए हैं, अभी ट्रोर में जा रहा, अभी ये स्केट्स चलाएंगे, अभी बोल रहे थे कि हम स्केट्स चलाएंगे, स्केट्स घर लेके उठा के, भाई इतने भूखे लोग हैं, तो इतने भूखे लोग हैं ना, घर पे गए वो, मतलब इधर वो स्केट्स आया था, पंगू लेना था भाई, इतने भूखे हैं उठा के घर ले गए कि मैं घर ही ले जाऊं। लब्बे नहीं है लड़ाई दोस्तों, तो सुन लीजिए, मेरा स्पीकर होता है, मेरा स्पीकर होता है, आपका स्पीकर मेरे को मिला, हां तो भी वो घर पे रह गया, तो बस वो भी बोला, वो भी किसी का मारा हुआ है इन्होंने, बंदा देखा ही नहीं, मार साथ कौन है, मैं प्रीतिक, प्रीतिक आगे हिलते नहीं, हवा हिला देती है, हम जैसे लोंडे बिगड़ते नहीं, लड़कियां गाड़ दी भाई जी, क्या हवा आता है, ए लाइन तो अपने ब्लॉग च नहीं बोलनी, लेकिन ठीक है, ये मेरे ब्लॉग जी बोलनी सिर्फ, हां बड़ा बड़ा ठीक है, तेरे ब्लॉग तू बोली नहीं जड़ी, है नहीं रात की कसम में 3 बजे नींद खुली मेरी, क्या यार इतनी दर्द हो रही थी, पता नहीं गैस है कि मैं समझ लगी, मैं घर आई डिस्टर्ब नहीं करता, रात उठी आया मम्मी को आया, मम्मी इतनी बड़ी दर्द हुई, तो मम्मी ने टिक्की खिलाई थोड़ी जी, तभी फर्क लग गया, फिर मूव लाई थी थोड़ी जी, मैं फिर नींद आई, मैं गैस तो नहीं है यार, गैस गुस्से नहीं, भत्त भुत्त आते गैस उपर, मी कोई भत्त नहीं आया, ये पद वाली सीक्रेट सूचना बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना, सही बात है, नेचुरल चीजें हमारे ब्लॉग में पता चलेंगी आपको, नहीं तो कौन बताता है, ਮੇਗੇ ਲੱਕਾਈ ਪੀੜਾ ਤੁਗੀ ਪੈ ਜੋ ਛਾਤੀ ਪੀੜਾ ਦਵਾਈ ਖਾ ਭਾਈ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੋਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜੋਰ ਲੱਗੀ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਖਾ ਲਿਆ ਕੁਛ ਕੀ ਕਿਆ ਪੇਟ ਮੇ ਦਰਦ ਹੈ ਪੇਟ ਮੇ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਟਾਂਗ ਟੂੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਹੀ ਚਲ ਆਏ ਰੱਖ ਜੀ ਚਲੋ ਰਿਤਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਨਿਰਮਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਨਿਰਮਾ ਜੀ ਵੈਗਨਰ ਦੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਸੇ ਆਏ रंगीन कपड़ा भी खिल सबकी पसंद निर्मा निर्मा पाउडर निर्मा निर्मा यूडी चलो निर्मा इन एंड वॉशिंग पाउडर निर्मा एंड तू दूध से इस निर्मा निर्मा से आई रंगीन कपड़ा भी खिल निर्मा निर्मा चलो क्या बात है क्या डर लग रही है सर आपकी बहुत डर लग रही है तो भाई इधर ऋतिक चला रहा है अपनी महबूबा और मैं चला रहा हूँ ऋतिक की स्कूटी और हम ना स्टूडियो बैठे हुए थे तो वहाँ पे ना हम गेम शेम खेल रहे थे मस्ती मजाक कर रहे थे तो ऐसे जब मैं अपनी बंदों के साथ वाइब मैच हो जाती है ना फिर ब्लॉग श्लॉग का भूल ही जाता बंदा तो मैंने ब्लॉग शूट करने का ना मेरे को ऐसे मौका ही नहीं लगा तो मैं भूल ही गया कि भाई मैं ब्लॉग भी बनाना है तो चलो भाई अभी चलते चलते ब्लॉग बना रहा हूँ और आगे जा रहा है ऋतिक और मैं जा रहा हूँ स्कूटी पे और मैंने ना जीन्स लेनी है भाई एक मुझे ना जीन्स पसंद आई मैंने ऑनलाइन मतलब उस पर व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है वहाँ पे आती रहती हैं तो मैंने वहाँ पे देखी मुझे बड़ी सही लगी और वो ऋतिक का खास है बंदा तो उसने तो मुझे बहुत ज़्यादा रेट बोला अब ऋतिक से ना उससे लेस करवाएंगे देखते हैं ऋतिक की कितनी चलती है भाई आज और यार स्कूटी चलाने का मज़ा अलग ही है यार बंदा थकता नहीं है ना इस पर चेक करो भाई अपना प्यार भाई ये गाड़ी जा रही है ना आगे वरना ये भाई प्यार है अपना प्यार मुझे ये गाड़ी इतनी पसंद है ना इतनी पसंद है ना सेडान्स में ना जो सेडान गाड़ियाँ होती हैं उसमें मुझे वरना बहुत सेक्सी लगती है और इस बंदे ने भाई अलॉय भी इतने तगड़े लगाए हुए ना इतनी प्यारी लग रही है ना ये भी अपनी की लगा लो ड्रीम कार है जिस दिन आपका भाई बड़ा यूट्यूबर बन जाएगा ना भाई यही गाड़ी निकलवाऊंगा और यही वाला मॉडल लूंगा मतलब बेशक मुझे सेकंड हैंड लेनी पड़े लेकिन मैं यही वाली लूंगा नई वाली तो चलो रद्दी बनाई हुई है उन्होंने हाँ हो सकता है उसमें फीचर्स वगैरह अच्छे होंगे लेकिन ये वाली वरना थी ना जो भाई इसकी लुक ही अलग थी चेक करो अलॉयस भी कितने मस्त लग रहे हैं भाई रावा भाई डैल लग रही भाई आपकी यार भाई आप ऐसे लग रहे हो जैसे धूम वाले जॉनी इब्राहिम नहीं होते
हाँ भाई हाँ तालाब तिलो से हम बड़ी देर बाद आ रहे हैं और हमेशा की तरह यहाँ पे जाम ही है। मैंने तो सोचा था कि ऊपर वाला रोड खुल गया हुआ है तो मेरे ख्याल से इस साइड जाम कम हो जाएगा, लेकिन नहीं भाई, इस रोड का सेम हाल है। इस रोड से तो पुरानी यादें जुड़ी हैं भाई, स्कूल टाइम की यादें जुड़ी हैं, कॉलेज टाइम की यादें जुड़ी हैं, जब हम मेटाडोर्स में बैठ के जाते थे भाई। किसी टाइम 5 रुपये किराया देते थे स्टूडेंट, फिर 10 रुपये हुआ, अब पता नहीं कितना, कमेंट करके बताना अभी कितना किराया चल रहा है भाई मेटाडोरों का, जो जो स्टूडेंट्स देखते हैं। इस वक्त ऊपर व्यू देखो, सनसेट हो रहा है तो इतना प्यारा सा लग रहा है ना, अभी सही लग रहा है ना। तेरी डैल दिखानी ना मैंने पीछे से, शर्ट देख रहे हो पीछे पे है, क्या डाली है इसने। जिसने अभी तक ना रितिक का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जाके कर लो, रितिक ओए करके नाम है, RITIKOYE ओए, रितिक ओए, ठीक है, जाके कर लो भाई। क्या फाड़ू कंटेंट डाल रहा है आजकल ये, मैं कह रहा हूँ रक्षण के टक्कर वाला कंटेंट डाल रहा है भाई, आप देख सकते हो जाके देखना, बड़ा ही तगड़ा मतलब मज़ेदार। और भाई जो मुझे पता तो क्यों हंस रहा है साले, तो मतलब मेरे को मेरा मानना ऐसा कि यार जो बंदा ना मतलब ऐसे दूसरों को हंसाता है ना, मतलब वो भी ये इसकी परवाह किए बिना कि मेरा मजाक बन रहा है, ठीक है, वो बंदा रब का बंदा होता है भाई। और मुझे लगता है ये बंदा रब का बंदा है भाई, क्योंकि ये अपना मजाक बना के ना लोगों को हंसाता है भाई। और भाई गर्ल्स तो इसमें नेक्स्ट लेवल है, बाजार के अंदर रड़ा रड़ा के ना रोला पा पा के वाह बनाता है ये। मैं तो हमेशा से यही पुश करता हूँ कि जो लोग ना मतलब जिनमें है ना हौसला तो वो बनाए, जिनमें दम है। अब मेरे कुछ लोगों में दम है, जैसे अपना नीतीश भैया हो गए, उनमें था कि ब्लॉग बनाने हैं, वो भी बना रहे हैं, अभी ऋतिक है इसमें बना रहे हैं, और लोग जो बाकी होते हैं वो पीछे हट जाते हैं भाई, ठीक है, वो चलो ठीक है, अब अपनी अपनी सबकी होती है, कुछ लोग बना पाते हैं कुछ लोग नहीं बना पाते, ये लोग बना पा रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये लोग भी अच्छा ग्रो कर जाएं और मेरे से अच्छा कंटेंट बन जाएगा इनका, इतना भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ठीक है जो मेरा कंटेंट है वो स्टार्टिंग से वैसा ही रहेगा, मेरे से ज़्यादा एंटरटेनिंग कंटेंट इनका है, ठीक है। तो भाई जाके सारे सब्सक्राइब कर लेना, फिर लगी अपनी ड्रीम कार भाई, देखो ओए पीछे दो लड़कियाँ आ रही थी, कह रही थी वो देखो जैरी बॉय जा रहा है, तुगी तेरे को देख के बोल रही थी। खा ले भैया, भैया का दिल बहुत बड़ा यार, भैया आपका दिल बहुत बड़ा यार। हाँ चलो भाई, इसने थोड़ा सा सामान लेना था, इसने सामान ले लिया और अभी निकलते हैं भाई आगे को। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है यार, अब ना दिन दिन मेरा कंटेंट थोड़ा सा ऐसे बोरिंग हो रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताना यार कि सच में बोरिंग हो रहा है कि मैं बोरिंग हो रहा हूँ कि क्या हो रहा है यार, मतलब 150 मच्छी हर जगह अपना बिजनेस प्रमोट करता रहता है ये। भी आ चुके हैं हम कपड़े वाली शॉप पे, मारा क्या हाल है भैया, ठीक हो, जूते देखो भाई कितने सारे इधर, पर हमको तो पैंट लेनी है, डिस्काउंट मिलेगा तेरे नाम भैया, नहीं देखते तेरे नाम को डिस्काउंट मिलता है या नहीं, इन्हें दिखा कपड़े दिखा